अभी देखा जाए तो छत पे या गार्डन में आजकल किसको ना आम लगाना पसंद आ रहा है। आज के डेट में देखा जाए तो हर कोई अपने छत पे गार्डन में आम का पेड़ जरूर लगा रहे हैं। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विदेशी है जो अपने इंडिया में मिल रहा है और काफ़ी अच्छा ग्रो भी हो रहा है, और काफ़ी अच्छा विदेशी आम भी अभी के डेट में इंडिया में लगाया जा रहा है। और अपना इंडियन में भी इतना ज़्यादा वेराइटी अभी के डेट में देखा जा रहा है जो है, फिर भी छत पे और गार्डन के लिए अभी भी लगाने के लायक नहीं है। पर एक वेराइटी ऐसा है जो आपका छत पे गार्डन में अच्छा फ्रूटिंग करके देगा और काफ़ी अच्छा वेराइटी है। अभी देखा जाए तो ज़्यादा करके जो भी छत पे या गार्डन में आम लगाना चाहते हैं वो आम लगाना चाहते हैं ताकि हैवी फ्रूटिंग भी हो और कम देखभाल करने का ज़रूरत हो। ऐसा देखा जाए तो अपने इंडिया में सब बहुत सारा वेराइटी है जो अभी 3,000 से ऊपर इंडिया में ऐसा वेराइटी है जो देखा जाए तो अच्छी तरह से वो अच्छा किस्म का है और अच्छा टेस्ट भी है, पर वो छत के लिए गार्डन के लिए उतना बेस्ट है नहीं। क्यों नहीं बेस्ट है? क्योंकि उसका फ्रूट ड्रॉपिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी के डेट में हद से ज़्यादा जो होता है वो फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है छत में, क्योंकि जो वेराइटी है वो बहुत पुराना वेराइटी है और साल में दो साल में एक बार ही फलन होता है। ऐसा अभी के डेट में देखा जाए तो जितना आम है, मगर अभी के डेट में हाइब्रिड आम भी बहुत सारा निकल चुका है या विदेशी आम भी बहुत ज़्यादा विदेशी भी किस्म का बहुत सारा आम अपना इंडिया में आ चुका है जो ईजी ग्रो हो रहा है। पर जो इंडियन में देसी वेराइटी है वो है आपका आम्रपाली। आम्रपाली आम इतना अच्छा आम अभी के डेट में है छत के और गार्डन के लिए, इंडिया के लिए अभी के डेट में देखा जाए तो सबसे बेस्ट वेराइटी माना जाता है। वैसे हाइब्रिड में अभी के डेट में देखा जाए तो बहुत सारा वेराइटी है इंडिया में, पर वो या तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो डुप्लीकेट उस वेराइटी बहुत सारा मिल रहा है। पर जो आम्रपाली आम है वो ईजी आपका हर नर्सरी में मिल जाएगा और इसका कॉस्ट भी काफ़ी सस्ता है। नया प्लांट आपको 50 रुपये से लेकर 250 तक के प्लांट आपको आम्रपाली को लोकल नर्सरी में मिल जाता है। और ये प्लांट इतना अच्छा है, इतना जग ग्रो है इसका, और छत पे गार्डन में काफ़ी ईजी ग्रो हो जाता है। आम्रपाली का जो रिलीज़ किया हुआ था वो 1970 में इसका रिलीज किया गया था, और ये है दशहरी और नील आ गया था। और ये आम इतना सबको प्लस पसंद आया था फ्रूटिंग के मामले में, और इतना अच्छा लगता है अगर आप गार्डन में ये आम लगा देते हैं या छत पे लगा देते हैं तो इतना अच्छा इसको गुच्छा में आपको फ्रूटिंग होता है। और साथ ही साथ देखेंगे तो इतना अच्छा आपको फ्रूटिंग के साथ साथ हर साल इसमें फ्लावरिंग फ्लोटिंग होता है। बाकी जो आम है उसमें कम बेस होता है, मगर ये हर साल जितना करता है उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा ही करता है मगर कम नहीं करता है, ये इसका खासियत है। आज मान लीजिए पहला साल इसमें आपको 5 किलो करता है तो अगले साल आपको ये 8 किलो करके देगा। आपको ये आम ऐसा वेराइटी है जो कम नहीं करके देता, ज़्यादा ही करके देता है। तो ये रूफटॉप गार्डन के लिए और होम गार्डनिंग के लिए तो सबसे बेस्ट वेराइटी माना जाता है। इसका जब सबसे ज़्यादा जो होता है फ्रूटिंग काफ़ी ज़्यादा गुच्छे में पकड़ते हैं, उसके बाद है इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ जो इसका मिठास है वो भी काफ़ी बेस्ट आम माना जाता है। तो आम्रपाली आम एक ऐसा आम है जो अभी छत पे गार्डन में होम गार्डन में इजी ग्रो किया जा सकता है, और इसका काफ़ी कम मेंटेनेंस भी है बाकी आम के मुकाबले। इसमें जो मेंटेनेंस करना पड़ता है वो काफ़ी कम करना पड़ता है। बाकी आम जो भी किस्म का आम आता है उसमें ज़्यादा करके खाद पानी बहुत ज़्यादा देखभाल करने का ज़रूरत पड़ता है, मगर इसमें उतना देखभाल करने का ज़रूरत नहीं रहता है। अगर आप गार्डन में लगाना चाहते हैं, रूफटॉप गार्डन में लगाता है, थोड़ा बहुत केयर मिलता है, जब आपको टाइम मिले तो थोड़ा बहुत इसको केयर कर लीजिए। बाकी आम ऑटोमेटिक अच्छा ग्रोथ भी लेता है और साले साल इसका अच्छा फ्रूटिंग भी होता है। काफ़ी बेस्ट आम माना जाता है अभी के डेट में इंडियन में। भले ये आम अभी के डेट में रूफटॉप गार्डन में या होम गार्डन में ज़्यादा करके लोग लगा नहीं पा रहे, क्योंकि इसका जो अभी के डेट में देखा जाए तो हर कोई महंगा आम अपना छत पे या होम गार्डन में लगाना पसंद कर रहा है। पर जो ये वेराइटी है जो अभी के डेट में सस्ता मिल रहा है मगर काफ़ी बेस्ट और अच्छा वेराइटी है। टेस्ट के भी मामले में काफ़ी बेस्ट है, सुगंध के मामले में काफ़ी बेस्ट है, मिठास भी काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ इसका जो फ्रूटिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसका जो जाति है छोटा सा ही अच्छा फ्रूटिंग पकड़ता है। ये काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी माना जाता है इंडिया का, अभी के डेट में भी सबसे बेस्ट माना जाता है। ताकि इंडिया में अभी के डेट में देखा जाए तो हाइब्रिड किस्म का बहुत सारा आम आ चुका है मगर अभी भी वो मिल नहीं रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आप खोजेंगे कोई नर्सरी में तो इसका प्राइस इतना ज़्यादा बोलता है आप देख कि आप ले नहीं पाएंगे। अगर प्राइस ज़्यादा दे के भी लेके पाते तो ये भी कोई गारंटी नहीं कि आपका ओरिजिनल प्लांट मिल रहा है, ये भी अभी के डेट में कोई गारंटी नहीं है। और ये जो आम्रपाली है वो आपका ईजी हर नर्सरी में मिल जाता है,
और इसका प्राइस भी इतना अच्छा है कि आप ये लगा सकते हैं। तो आप नए गार्डनर हो या पुराने गार्डनर हो तो ए एम आप जरूर लगा के देखिए। आम्रपाली का काफ़ी बेस्ट वेराइटी है, काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग भी करता है और काफ़ी अच्छा इसका, काफ़ी कम मेंटेनेंस की भी इसमें ज़रूरत पड़ता है। तो आम्रपाली आम आप जरूर लगाइए गार्डन में, एक बार लगा के देखिए, इसके बाद आप देखिए आम अच्छा है या ख़राब है। एक बार आप लगा देंगे ना तो आप खुद खुश हो जाएंगे आम के इतना फ्रूटिंग इसमें करता है। अगर ऐसा ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।